चलो ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी इज टू कॉन्टेक्ट द वेंडर्स डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट्स ऑफ द अकाउंट पेबल एज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड ऑन। 31 मार्च को जिसका भी पेएबल है, जितना भी पेएबल है, उसके लिए आप लोगों ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर करना चाहिए। अच्छा, 31 मार्च को कोई सपोज बी का पेएबल नहीं, बी का अमाउंट दिख रहा जीरो, लेकिन साल भर में उससे बहुत पेमेंट दिया हुआ है, लिया हुआ है, उससे बहुत सारे गुड्स खरीदे हुए, तो भी उसके लिए भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर कर सकते हैं। हो सकता है ना कि बी आपका क्रिएटर था साल भर, लेकिन पेमेंट अपन ने कर दिया तो साल भर के आखिरी में वो नहीं दिख रहा, साल के आखिरी में भले ही नहीं दिख रहा हुआ, लेकिन अपन उससे बहुत सारा माल परचेज करते हैं, उसके लिए भी आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते। क्या बोला मैंने कि बी से आप बहुत सारा माल परचेस कर, लेकिन साल के आखिरी में उसको कुछ भी पेबल नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में उसका नाम नहीं दिख रहा, स्टिल आप उसके ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो। डॉइट एम्प्लॉयज डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट। मैनेजमेंट अलाउज फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दिस शुड बी नेसेसरी डन फॉर ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट पेबल, ऑल जो भी बड़े बड़े एज एट पीरियड एंड फॉर पार्टीज हु मटेरियल परचेसेस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड ऑडिट, इवन इफ द पीरियड एंड बैलेंसेस ऑफ सच पार्टीज इज नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोली थी लाइन आपको, कि बी भले अपने को 31 मार्च को बी को कुछ भी पेबल नहीं है, लेकिन साल भर में उससे बहुत ज्यादा परचेस हुआ है, बहुत ज्यादा पेमेंट हुआ है, सबसे सब्सटेंशियल अपना परचेस उससे हुआ है,